संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू सरनेम को लेकर गांधी परिवार पर निशाना साधा तो सवाल खड़ा हो गया कि आखिर राहुल गांधी अपने नाम के आगे गांधी क्यों लगाते हैं, नेहरू क्यों नहीं। चलिए इस वीडियो में आपको हम गांधी परिवार के वृक्ष को समझाते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि राहुल अपने नाम के आगे गांधी क्यों लगाते हैं। इस तस्वीर के जरिए समझिए। मोतीलाल नेहरू जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी शादी स्वरूप रानी से हुई। दोनों से एक बेटा हुआ जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू रखा गया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू की शादी कमला नेहरू के साथ हुई। दोनों की एक बेटी हुई जिनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। इंदिरा की शादी फिरोज गांधी से हुई। शादी के बाद इंदिरा ने भारतीय परंपरा के मुताबिक पति के सरनेम को अपना लिया, जिसके बाद उनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी से इंदिरा गांधी हो गया। इंदिरा गांधी के दो पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी की शादी सोनिया से हुई। इटली की रहने वाली सोनिया ने गांधी सरनेम को अपना लिया। इसके अलावा संजय गांधी की शादी मेनका आनंद से हुई। शादी के बाद मेनका आनंद मेनका गांधी हो गई। राजीव और सोनिया गांधी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम राहुल गांधी रखा गया तो पुत्री का नाम प्रियंका गांधी रखा गया। वही संजय मेनका के पुत्र का नाम वरुण गांधी है। देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू राहुल गांधी के परनाना हुए, और भारतीय पारिवारिक संस्कृति में नाना परनाना के सरनेम को अपनाने की परंपरा नहीं है। फिरोज गांधी राहुल गांधी के दादा थे, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी सरनेम को अपनाया। वही गांधी सरनेम को लेकर एक दिलचस्प कहानी भी है। जैसा कि आपको पता है कि गांधी सरनेम फिरोज जहांगीर गांधी से आया, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के बाद अपने उपनाम की स्पेलिंग बदल दी थी। दरअसल मुंबई के पारसी परिवार में जन्मे फिरोज गांधी जब 18 साल के थे, तब वे महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी मुलाकात इंदिरा की मां कमला नेहरू से हुआ। इसी दौरान वह इंदिरा के संपर्क में आए, दोनों में प्यार हो गया। 1933 में फिरोज ने कमला नेहरू से इंदिरा के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। उस वक्त इंदिरा की उम्र 16 साल थी। इसी वजह से कमला नेहरू ने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन फिरोज कमला नेहरू के चहेते बन चुके थे। वही 1942 में जब इंदिरा फिरोज की शादी की बात चली तो जवाहरलाल नेहरू नाराज हो गए। वे शादी के खिलाफ थे, लेकिन महात्मा गांधी ने फिरोज गांधी को गोद ले लिया और अपना सरनेम गांधी दे दिया, जिसके बाद नेहरू इंदिरा फिरोज की शादी के लिए तैयार हो गए और तभी से फिरोज जहांगीर गांधी फिरोज गांधी हो गए। इंदिरा गांधी ने 1942 में फिरोज गांधी से शादी की, जिसके बाद उनका नाम इंदिरा गांधी हो गया। जानकारी के मुताबिक नेहरू गांधी परिवार का ताल्लुक कश्मीरी पंडित परिवार से है। 1700 के दशक की शुरुआत में राज कौल उनके पूर्वज बताए जाते हैं। 1716 में वह कश्मीर से दिल्ली चले गए थे। उनका घर एक नहर के किनारे स्थित था और इसी निवास से नेहरू उनके नाम से जुड़ गया। कौल इस परिवार का मूल सरनेम था, जो बदलकर कौल नेहरू हो गया, और बाद के वर्षों में कौल को हटा दिया गया और परिवार का नाम केवल नेहरू हो गया। गंगाधर नेहरू कौल वंशज थे, मोतीलाल नेहरू के पिता और जवाहरलाल नेहरू के दादा थे। गंगाधर नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पहले दिल्ली के अंतिम कोतवाल यानी पुलिस प्रमुख के समकक्ष थे। मोतीलाल नेहरू जो कि एक वकील थे और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे, उन्हें नेहरू गांधी परिवार का पितामह कहा जा सकता है। 1919-20 और 1928-29 में वे दो बार कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं। मोतीलाल नेहरू के तीन बच्चे जवाहरलाल नेहरू, विजयलक्ष्मी नेहरू और कृष्णा नेहरू थे। गांधी परिवार के इस वंश वृक्ष को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि राहुल अपने सरनेम में गांधी क्यों लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।